नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगता है भाजपा के शासन में कलेक्टर जैसे बड़े ओहदे वाले प्रशासनिक अधिकारी इनकी कठपुतली बन गए हैं। कलामनगंज में विकास यात्रा के दौरान कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि 25 साल तक यही सरकार रहे, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। संजय कुमार मिश्रा ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार की तमाम प्रकार की बढ़ाई करते हुए उनके बारे में बखान किया। आप भी सुने किस तरह से संजय कुमार मिश्रा जो पन्ना कलेक्टर हैं बीजेपी के पक्ष में भारी सभा में लोगों को बरगलाने की कोशिश की। ये विकास यात्रा किसकी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विकास यात्रा आपकी है और जैसे कहना है कि तेरा तो उसको अर्पण क्या लावे मेरा, ये हमारा भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं कि गरीबों के हक का जो उनकी योजना है, जो उनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ दे दिया जाए, इसमें कोई ना नकुर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे मांगो या चाहे मत मांगो, बिना मांगे भी आपको लाभ मिलेगा। हमें खुद पता है कौन गरीब है, कौन किस चीज़ के पात्र है। ये नगर पालिका की हमारी जो टीम है, ये हमारे पार्षद हैं, हमारी CMO है, आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि ऐसा कौन आपके मोहल्ले में आपके वार्ड में कौन परिवार है जिसके घर में 2 जून की रोटी, 2 जून का चूल्हा नहीं जलता है, भरपेट परिवार खाना नहीं खाता है। निश्चित ही ऐसा परिवार गरीब की श्रेणी में होगा। ऐसे लोगों के रोजी रोटी चूल्हा जलने की व्यवस्था हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से कहते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा मिल जाए जिसके माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, अकेले हैं, खाने पीने उनके कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वो बच्चा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई आपके किसी मोहल्ले में हो आप हमें बता सकते हैं। ऐसा कोई वृद्धजन जिनके अब कोई हो सकता है शादी ब्याह नहीं हुई या बच्चे उनके अब नहीं हो या कुछ बूढ़े हो गए, उनकी रोजी रोटी का संकट है, उनकी जानकारी आप हमको दीजिए, उनकी भी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्यों मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।